उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। तुम इतनी देर से उसकी तारीफें कर रही हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता है वो, कितना गुड लुकिंग है, उसकी पर्सनालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ मिल मिला के इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि तुम मान जाओगी। बहुत दिनों के बाद खुशी मिली है मुझे। अल्लाह करे आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें। आमीन। अनमोल, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैंने शाहिद का कितना इंतजार किया है। बहुत शौक है ना तुम्हें शाहिद के सामने मजनू बनने का। दुनिया जहाँ के गम है तुम्हें, किसी को बिन मांगे मिल जाता है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता तुम्हारी तरह। क्या तुकमंदी थी उसके सामने इतना बात करने की? कितनी बार समझाया तुम्हें कि ना बनो इतना सेंसिटिव, लेकिन नहीं, शर्मिंदा करवा दी उसके सामने मुझे। अरे नहीं है 5,000 मेरे पास। तब दे रहे हो? नहीं दे रहे, वरना मारियो और तुम्हारे सीन के बारे में सब कुछ बताती हूँ मामा को। तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे यानी? मारियो के बारे में तो मैं वैसे ही मामा को बताने वाला हूँ, और प्यार तो मैं उसे बहुत करता हूँ, बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। अच्छा, मामा को खुद बताओगे? तो ठीक है, अभी मामा को बुला लेते हैं। मामा, मामा, क्या हो गया तुम्हें? 5,000 रुपये। अरे नहीं है ना मेरे पास पैसे। अब लगता है कि मुझे मामा को बुलाना ही पड़ेगा। मामा, मामा इधर आए जरा, मुझे आपको ना नोमी की गर्लफ्रेंड के बारे में। रुक जाओ। मामा, क्या रो? मामा मुझे आपको कुछ बताना है। बताया, क्या हो गया है? नहीं, सब ठीक है ना? नहीं मामा, कुछ नहीं, बस गुड नाइट कहना था आपको। हाँ, बस गुड नाइट कहना था इसे। एनी, आप तो जानती हैं ना इसे। तमीज, जल्दी से निकालो 5,000। गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का, वरना। हाँ हाँ दे रहा हूँ, सबर नहीं हो रहा, ये लो। और आइंदा से पैसे मांगू ना तो ना मत करना। जाओ जाओ सो जाओ। बात करने में मामा से आया था और मुझे पता नहीं किस चक्कर में फंसा दिया तुमने। खुद आए मेरे कमरे में, मैंने तो नहीं बुलाया था। आए आ गए मेरे पैसे। मारियम, मेरी तो हालत खराब हो गई थी, मुझे लगा कि उसने मामा और बाबा दोनों को सब कुछ बता दिया है। ओह गॉड, फिर क्या? मेरी तो हालत गैर हो गई थी। फिर आपने दिए उसे 5,000 रुपए? अरे वो उस वक्त मेरी जान भी मांगती तो वो भी दे देता। एक बात का बता आपको नौमान, हमेशा आपके मुंह से सुनती हूँ मैं एनी के बारे में, एनी ऐसी है, एनी वैसी है, ये करती है, वो करती है। आई विश कि मैं भी वहां पे होती और आप दोनों की लड़ाई देखती। नौमान, मुझे भी आना है आपके घर जल्दी से, आपकी दुल्हन बनकर, ताकि मैं ये सारी लड़ाइयाँ लाइव देख सकूं। अरे अभी तो तुमने सिर्फ हमारी लड़ाइयों के बारे में सुना है, जिस दिन देख लोगी ना उस दिन भूलोगी नहीं। कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब वो इस घर से अपने घर चली जाएगी तो क्या हालत होगी हमारी। उससे प्यार भी बहुत करता हूँ मैं। वो तो मैंने देख ही लिया था, जिस तरह से उस दिन आप मांग रहे थे ना गोलगप्पे की दुकान पे पैसे मुझसे, एनी ने गोलगप्पे खाने हैं। तुम जानती नहीं आई इनको कि वो क्या चीज है। उस दिन तो मुझे लगा कि वो मामा को सब कुछ बताने वाली है जो इतने अरसे से मैं नहीं बता सका। हाँ तो अच्छा ही है ना, कम से कम उसे ही कह लेने दें, आपने तो बताना नहीं। आप एनी से कहें ना कि बाबा से बात करें। ओह यस, गुड आइडिया। मुझे लगता है कि वो ये बात बाबा जान से कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इसके लिए वो 5,000 रुपए नहीं लेगी आपसे, ज्यादा पैसे लेगी, बड़ा काम है। अरे आपके लिए मैं अपना सारा बैंक बैलेंस भी लौटा सकता हूँ।
यार मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मेरे साथ चलो शॉपिंग पे। एनी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आप जाओ। तुम्हारा कभी किसी चीज का मूड होता है? जब मुझे शॉपिंग करनी हो तुम मेरे साथ चल रहे हो, दैट्स इट, चलो उनसे। शॉपिंग तुमने करनी है, मैं क्या करूंगा वहां पे? तुम कलर सेलेक्ट कर लेना और मेरे बैग्स पकड़ लेना, बस हैप्पी। अब चलो। यहाँ क्या करने आया? कपड़ों की शॉपिंग क्या करने आते? कपड़े लेने आते हैं ना डम्बो। यानी ये कैसे? डल सा है, कलर मजे का नहीं है, व्हाइट। ओके। और ये अच्छा है, ले किसके लिए रही हो? तुम्हें क्यों बताऊं? बस बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है, लाइक द कलर। थैंक यू। तो मुझे अपने घर क्यों नहीं लेके चलते? आंटी से मिले हुए काफी दिन भी हो गए और आज मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। ये सामान? सामान या क्या, घर जाते हुए साथ लेके भी जाऊंगी। चलो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत अब आपकी? अब मेरी तबीयत पहले से बिल्कुल बेहतर है। तुम सुनाओ कैसी हो और मामा कैसी हैं तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक और मामा भी बिल्कुल ठीक है। आंटी ये ड्रेसेस मैं आपके लिए लेकर आई। मेरे लिए? अरे बेटा इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी, और वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझ पे ये फैशनेबल कपड़े कहाँ अच्छे लगेंगे। हाँ बूढ़ी आप हो गई हैं। वाह, बूढ़े होंगे आपके दुश्मन। आंटी मैं इतने प्यार से लेकर आई हूँ आपके लिए, और आप प्लीज एक पहन के तो दिखा दें। अम्मी कलर्स मैंने ही चूज किए हैं, प्लीज ट्राई कर ले। अरे बेटा इन चीजों की क्या जरूरत थी, तुम आ जाती हो ना मेरे लिए यही बात है। हो गया? अच्छा अच्छा मैं भी आती हूँ। यानी तुमने ये कपड़े मामा के लिए लिए, मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता? थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे ये फॉर्मल बातें सुनने का कोई शौक नहीं, और हाँ आइंदा मत कहना कि मैं तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेती। थोड़ा मुस्कुरा देते हैं बॉस, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। क्या आपकी मामा जी से बात हुई है? आखिर वो हमें हवेली क्यों नहीं बुला रहे? ओहो उनके कुछ खास मेहमान आए थे, शाहिद ने अपने मेहमानों को फार्म हाउस पर बुलवाया था। भाई साहब फार्म हाउस की मुरम्मत में मसरूफ थे। अपनों के लिए कैसी मसरूफ है तुम? इसका मतलब ये हुआ कि वो खास मेहमान हमसे ज्यादा जरूरी है? ऐसी बात नहीं है हुरबानो, क्यों ऐसा सोचती हो? मैं खुद ऐसा कहां सोच रही हूं मां, हालात ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आप जरा खुद सोचें, उस हवेली में इतने सालों के बाद इतनी बड़ी खुशी आई है। शायद इतने सालों के बाद घर लौटा है, इतनी बड़ी खुशी है। और मामा जान उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल करके अपना फर्ज अदा कर दिया है ना? ऐसा कुछ नहीं है हुरबानो, देखो भाई साहब ने हमें तो फोन कर बताया भी ना। अरे निगार को तो उन्होंने फोन करना भी जरूरी नहीं समझा, फिर उसने तो बुरा नहीं माना। उनका उनसे वो रिश्ता नहीं है अम्मा जो आपके साथ है। नहीं बेटा वो भी बहन है उनकी और मैं भी उनकी बहन हूँ। भाई साहब शो नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर में बहुत प्यार करते हैं हम सबसे। जब से हम दोनों बहनें बेवा हुई है ना, कभी उन्होंने हमें जिंदगी में ये एहसास होने नहीं दिया।
कि हमारे सर पर छाया नहीं है। वो सब बातें अपनी जगह पर ठीक है अम्मा, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। देखो हूँ, भाई साहब ने मुझे जबान दी है, और भाई साहब जब जबान देते हैं ना तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी जबान से कभी नहीं फिरते। आमिर की मम्मा बहुत खुश हुई। तुमने बहुत अच्छा किया कपड़े ले गई, पता है बीमार बंदे का ख्याल करना बहुत सवाब का काम है। और आप मुझे पैसे नहीं दे रही थी। जी नहीं, अगर आप मुझे बता देती तो 10,000 मैं अपनी तरफ से भिजवा देती। मलका कंजूस है आप, 10,000 जब मांगती हूँ ना 10 बार सोचती हूँ उससे पहले आप। जी, जब आपको बाबा पैसे देने से मना कर देते हैं तो कौन पैसे देता है आपको फिर? नौमी। कितनी नाशुक्री हो एनी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी समझदार हो गई। कोई समझदार नहीं हुई हूँ मैं, हर वक्त तो डांटती रहती हैं आप मुझे। अच्छा, इसीलिए अपने बाबा को भड़काती रहती हो मेरे खिलाफ, दूसरी शादी के मशवरे देती रहती हो। भड़काती नहीं हूँ, सही बोलती हूँ। नहीं मम्मा आ जाएंगे तो खुद का दिल लगा रहेगा, वरना कहती रहती है टाइम नहीं देती टाइम नहीं देती। एनी फजूल बातें मत करो, बहुत पिटोगी मेरे हाथ से। अच्छा हटो, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी मम्मा मेरी बात तो समझे। नहीं मम्मा ना। चुप, नहीं समझनी मुझे कोई बात, हटो। मम्मा की चहेती ना हो तो। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा, गेम खेल रही हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है मुझे कि तुम गेम खेल रही हो। मुझे तुमसे एक बात करनी है। बाद में करना, मेरा गेम खराब हो जाएगा। अरे नोमी ये क्या कर रहे हो, दो मेरा मोबाइल वापस। ओहो, बात करना जरूरी है। मुझे कोई बात नहीं सुननी, बाद में सुन लूंगी सारी बातें। मुझे फोन दो, मेरा गेम खराब हो रहा है। It's a surprise for you. Surprise? Oh yes. अच्छा तो क्या है surprise मेरा? जल्दी से आंखें बंद करो, जल्दी से। मैं नहीं आंखें बंद कर रही। ओहो बंद तो करो, surprise है तुम्हारे लिए। Okay. पक्का ना? हम्म। जब तक मैं नहीं कहूं आंखें नहीं खोली, समझी तुम? वेट, आंखें बंद। खोलूं? खोलो, ये तुम्हारे लिए टेडी बियर। ओह माय गॉड। और ये तुम्हारे कपड़े। ओ। और ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो कैसी लगी तुम्हें ये सब चीजें? बहुत ज्यादा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काम क्या? क्या मतलब? एनी यू आर इंसल्टिंग मी। भई ये सब चीजें मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्यों पसंद नहीं है क्या? पसंद आना सब एक तरफ है, लेकिन बेटा बताओ काम क्या है? काम You're blushing, man. No, I'm not. You are. Look at yourself. नहीं नहीं बाबा, ऐसे मजाक कर रही है ये। इसकी तो आदत है, जो मुंह में आता है बोल देती है।
बाबा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, I'm serious. एक लड़की को पसंद करता है, शादी करना चाहता है उससे. रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आप दोनों से बात करूं और तो भाई ठीक करी. अरे पानी लो ना मां, क्या हुआ? मेरे हमदम, मेरे हमदम. तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ. कितना प्यार करते हो? क्या मतलब है? अरे बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत पसंद करता हूँ उसे. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ. सोच लो पहले, करते क्या हो? प्यार करते हो या पसंद करते हो? हाँ दोनों ही करता हूँ. क्यों तंग करती हो यानी? बस उससे दिल की बात कहने से डर लगता है मुझे. कैसे आदमी हो? प्यार करते हो कहते भी डरते हो? अबे प्यार किया तो डरना क्या, जाके बोल दो उससे. अरे हाँ प्यार तो मैं उससे करता हूँ, मगर बाबा जानी से बात करते डर लगता है मुझे. हाँ इतना बड़ा घोड़ा हो गया बाबा से डरता है, और उन बाबा से जो मुझसे डरते. वाह 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 क्या बात है. इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम बात करो ना बाबा जानी और मामा से, प्लीज कन्विंस देम. अच्छा जी, तो अंदर इसलिए बटर लगाया जा रहा था मुझे. ये तुम्हारे लिए जोड़े, ये तुम्हारे लिए टेडी बेयर, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट्स. वाव कितने मीन हो तुम. अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है. आई विल हेल्प यू. क्या याद करोगे? सच? लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं. अरे हाँ हाँ बोलो क्या शर्तें. वैसे भी तुम्हारी सारी बातें तो मैं मान ही लेता हूँ, और चाहिए तो बताओ अभी देता हूँ. रोको रोको हाथ भाई, जिस दिन पैसे चाहिए होंगे उस दिन मैं बेधड़क मांगूंगी कि मुझे पैसे चाहिए. पहली शर्त कि तुम सबसे बोल दो कि तुम मुझसे छोटे हो और मैं तुमसे बड़ी हूं. तो झूठ है ना यानी. ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बात करूंगी बाबा से. ओके बाबा मैं सबको बता दूंगा कि एनी मुझसे बड़ी है. आप खुश पाजी? दूसरी शर्त, प्रिंसेस एनी जो कहेगी वो तुम्हें करना पड़ेगा. वो प्रिंसेस एनी मुझसे जो कहेगी मैं वो करूंगा. ठीक इस पे के ना. अरे ले लो तुम्हारी पैसों की है. प्यार करता है. बाबा हमें टेंडर मिल गया, मार्केट में लोएस्ट प्राइस हमारी थी. क्या हो गया आपको? कभी बेटे की खुल के तारीफ कर दिया थे ना, इतनी कंजूसी से क्यों करते हैं तारीफ? भाई अभी इसे बहुत कुछ करना है, अभी से तारीफ करेंगे तो यही रुक जाएगा. करने तो दो पहले से. जी बाबा बड़ा हो गया ये काफी, शादी करवा दें इसकी. क्यों भाई क्या बोल रही है तुम? नहीं नहीं बाबा ऐसे मजाक कर रही है ये, इसकी तो आदत है जो मुंह में आता है बोल देती है. बाबा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, I'm serious. एक लड़की को पसंद करता है, शादी करना चाहता है उससे. रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आप दोनों से बात करूं और तो भाई ठीक करी. अरे पानी लो ना मां, क्या हुआ? बाबा ये झूठ बोल रही है. अच्छा बच्चे मैं झूठ बोल रही हूँ? बाबा थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मेरी हेल्प करो मेरी हेल्प करो, आपसे डरता ही है. अरे नहीं बाबा ऐसे ही कह रही है, इसे कुछ नहीं पता, ऐसे बोले जा रही जो इसके मुंह में आ रहा है. पता तो मुझे भी कुछ नहीं, अभी कुछ पता लग रहा है.
एक्सक्यूज मी, तुम ठीक कह रही हो? बाबा ये वाकई किसी लड़की को पसंद करता है। सुन रही भाई आप? उसका नाम है मारिया। अम्मा को तो मेरी हालत पर यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन मेरी बेकरारी कहीं ना कहीं किसी बुरी खबर के आने की वजह से है। नहीं, अम्मा ठीक कहती हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूं। इन सोचों के अलावा मेरे पास बचा ही क्या है? इतने दिनों से शाहिद आया हुआ है, एक बार भी उसने मेरा नहीं सोचा, मेरे इंतजार का नहीं सोचा। बेटा वो कमाल साहब के बेटे हैं ना जुनेद, हम मिले थे उनसे मिसेज अंसारी की बेटी की शादी में। जी जी, वो मिसेस कमाल, हाँ मिलवाया था अम्मी आपने। हाँ तो कमाल साहब ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा प्रपोजल भेजा है। मैं कई दिनों से तुमसे ये बात करना चाह रही थी। बहुत अच्छा लड़का है जुनेद, अपना बिजनेस है, वेल एजुकेटेड फैमिली है, और क्या चाहिए हमें। और फिर तुमने देखा भी है उसे मिसेज अंसारी की बेटी की शादी में। अम्मी इतनी जल्दी क्या है आपको, अभी तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, इंटर्नशिप के बाद जॉब करूंगी अम्मी। ये तो कोई बात नहीं ना बेटा, तुम शादी नहीं करना चाहती, ये किसी और को पसंद करती है। अम्मी लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मारिया बेटा ये तो कोई रीजन ना हुआ। ये कौन बार बार फोन कर रहा है? अम्मी वो नुमान की कॉल है। क्या कह रहा है? हाँ नुमान, मैं बाद में बात करती हूँ, अम्मी के पास बैठी हूँ उस वक्त। मारिया मैं तुम्हें बाद में कॉल नहीं कर सकता, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है, जल्दी बोलो। तुम पहले जरूरी बात कर लो, हम बाद में बात कर लेंगे। यार मैं बहुत परेशान हूँ। मान तुम तो हर वक्त परेशान होते हो। अभी मैं अम्मी के पास बैठी हुई थी, वो मुझे कोई प्रपोजल बता रही थी, तुम्हारी वजह से नाराज होकर कमरे से चली गई। अरे छोड़ो ना प्रपोजल को, एनी ने सब कुछ बता दिया बाबा को हमारे बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है नुमान, मैं भी तो यही चाहती थी, और तुम भी। और तुम तो कम से कम ये बात कभी भी ना कर सकते, शुक्र उसने कर दी। लेकिन मारिया इसमें अच्छी बात क्या है, एनी ने उस तरह बात नहीं की बाबा से जैसे उसे करनी चाहिए थी। तुम बिना वजह सोच सोच के परेशान मत हो, उन्होंने जो कहना होगा ना वो कह देंगे, कम से कम उन्हें हमारे बारे में पता तो चला ना। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। नुमान प्लीज बी रिलैक्स, क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहे हो? पर तुम डर रहे हो? पहली बार किसी लड़के के मुंह से मैं ऐसी बातें सुन रही हूँ। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। आई नो नुमान, लेकिन ये बात बाबा को कभी ना कभी तो पता चलनी थी ना। अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन यूं डरने और परेशान होने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। अब बाद में बात करता, बाबा आ रहे हैं। जी बाबा आए, प्लीज बैठे। कौन है वो? कौन बाबा? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं। कौन है ये लड़की, ये एनी क्या कह रही? वो बाबा वो एनी तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। तुम वैसे अभी किससे फोन पे बात कर रहे थे? इतने तुम घबराए हुए क्यों? वो ऐसी मैंने एनी को मना किया था। क्या मना किया? नहीं बाबा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस वो ऐसे ही
एनी का कह रहा था वो तो जो मुंह में आता बोल देती है। क्या नाम है उसका, कौन है, किस खानदान से ताल्लुक है उसका, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे नौमान? मारिया, मारिया नाम है उसका। मारिया, और उसकी फैमिली कहाँ रहती? बाबा वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनकी बेटी है, यहाँ डिफेंस में रहती है वो। अच्छा, क्या करती हो, कैसे जानते हो तुम उसे? मेरी जूनियर थी। जूनियर थी, कुछ और नहीं कहना तुम्हें मुझसे? नहीं बाबा, वो जूनियर थी वो मेरी। अच्छा चलो, जूनियर ही सही। ओ गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? मैं तुमसे बात नहीं करता, सारा काम खराब करके रख दिया तुमने। क्या जरूरत थी बाबा के सामने इस तरह बात करने की? अरे अरे, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे थैंक यू कहने के बजाय मुझ पे गुस्सा कर रहे हो तुम। बड़ी अच्छी हेल्प की है ना तुमने मेरी। क्या याद करोगे मैंने कैसे तुम्हारी हेल्प की, वैसे शक्ल देखने वाली थी तुम्हारी, सब देख रही थी मैं वहां से, क्या मजनू लग रहे थे बिल्कुल। बाबा के सामने सारी हवा गुम हो गई थी तुम्हारी। उड़ा लो, उड़ा लो मेरा मजाक, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें मेरी ये हालत देख के। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें ना थैंक्स कहना चाहिए, कितने अच्छे तरीके से मैंने तुम्हारे और मारिया के बारे में बताया है बाबा को। तुमने जिस तरह बात की वो अच्छा तरीका कहाँ से होगा? मैंने इस तरह बात करने को कहा था तुम्हें? बॉस मेरा यही स्टाइल है, तो इसी तरह करूंगी ना बात। बड़ा स्टाइल था तुम्हारा। चलो निकलो यहाँ से अभी। ना शुक्रा। गॉड, बच्चों को कॉल करती हूँ। जो फोन उठाए, शाहिद। ओहो बज्जो, मैं हूं अनमोल, आपकी शाहिद की साली। क्या बात है अनमोल की बच्ची, इतनी सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी? भज्जो ये सुबह नहीं है, और मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं आ रही हूँ आपके तरफ, बल्कि अम्मा भी साथ आ रही हैं। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा ठीक है बस। अनमोल मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है आप सो जाएं, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि अब मैं पक्की पक्की आपकी तरफ आ रही हूँ। पक्की पक्की? जी, अम्मा ने कहा है कि अब हम आपके साथ रहेंगे जब तक हम हवेली नहीं चले जाते, और बच्चों हम जी भर कर शॉपिंग करेंगे आपकी शादी की। अरे अच्छा बाबा, पहले यहाँ तो आ जाओ। ठीक है हम आ रहे हैं, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम ऐसा करो, उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दो। जी हाँ, किससे करनी है शादी? भाई किससे करनी क्या क्या मतलब, जिसको पसंद करेगा उससे कर देंगे, क्या ख्याल? मेरे हमदम, मेरे हमदम। हमारे बच्चे बड़े हो गए यास्मी, मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनकी शादियों की फिक्र करें, लेकिन आपको तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं। बिजनेस अपनी जगह यास्मी, लेकिन मुझे हैनी और नुमान से बढ़कर अपनी जिंदगी में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। शुक्र है मेरे और नुमान के दरमियान एक लिहाज है, इसीलिए आज तक उसने कभी कोई शिकायत नहीं, वरना मैं तो बिल्कुल ही लापरवाह हो गया था अपने बच्चों की तरफ से, अपने कारोबार में उलझ कर। अब नुमान जिस उम्र को पहुंच गया है, उस उम्र में मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। चले शुक्र है आपको एहसास तो हुआ कि नुमान बड़ा हो गया, वरना आप तो हर वक्त उसे डांटते रहते थे। उसकी भलाई के लिए डांटता था, मैं बाप हूं उसका। अब तुम ऐसा करो, उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दो। जी हाँ, किससे करनी है शादी? भाई किससे करनी क्या मतलब, जिसको पसंद करेगा उससे कर देंगे, क्या ख्याल? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन अचानक। बस तैयारी शुरू कर दो। लग उसकी हालत देखने वाली थी, बाबा के सामने उसकी आवाज तक नहीं निकली। इसने अच्छा नहीं किया है। अच्छा नहीं किया, खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ था। help me, I swear मैंने वही किया जो करना चाहिए था, मैं डायरेक्टली जाके बाबा को बता दिया। मान भाई ने तुम पे ट्रस्ट किया था, देखो ना acting तुमने गलत की। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ऐसे ही, मैं नहीं किसी से डरती वरती, जाके बस बता दी जो बात थी। तुमने तो बात बता दी, मगर वो परेशान हो गए ना। वो कोई परेशान वरेशान नहीं थे नुमान भाई, बहुत खुश था नोमी का बच्चा। वो क्या समझता है मुझसे सब कुछ करवा सकता है ना, वो सिर्फ 4 साल बड़ा है मुझसे। अच्छा बताओ बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? ये तुम जाके नोमी से खुद पूछ कर, मैंने तुम्हें उसकी हालत बता दी। यानी मम्मी तुमसे मिलके बहुत खुश? वो है ही थी। और इतनी फॉर्मल बात हमारे बीच में कब से होने लग गई, ये थैंक्स एंड कब से कहने लगे तुम मुझे? प्लीज आइंदा मत कहना। हमें मुझे एक मस्त आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम इस हीरो को किसी डिनर या लंच पे बुलाएं? तुम उस हीरो के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों मिलना चाहती हो उससे? बस मिलना चाहती तो मिलना चाहती हूँ बस। मैं बड़े प्यार के दावे करता ना मेरे सामने, वो मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम्हारे साथ चिपक के बैठूंगी, देखना वो कितना जलेगा। बैठ, मैंने उसको जलते हुए देखना अपनी आंखों से। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो जलस होगा? तुम देखना वो होगा। मुझे सब अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें अच्छा क्या लगता है? तुम मेरे साथ बस चल रहे हो, दैट्स इट। क्या चीज हो तुम? अम्मा आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तैयार हूँ बेटा। तो फिर चलें अम्मा, मुझे बच्चों की शादी की बहुत खुशी है, मुझे उम्मीद है इस बार बच्चों की शादी होकर रहेगी। उसकी तो हो जाएगी। तुमने कभी क्या, कभी क्या हुआ अम्मा? क्या कभी तुमने अपने बारे में सोचा कि तुम्हारा क्या होगा? अम्मा फिर से? अम्मा आप ये छोटी छोटी बातों की टेंशन क्यों लेती हैं? बेटा इसी टेंशन ने मेरा सुख चैन छीन लिया। कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूं ना आपका सुख चैन। और एक बात, छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को दुखी मत किया करें। चलते हैं, मैं ही चाहती हूँ। ठीक है।
आ रहे जिस तरह से तुम मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आमिर हम ग्लास एक्सचेंज करें। ओके। नहीं मंगवाया, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी, एक और ले आइएगा। मैं एक ईमेल कर लूं। सेल्फीज कितना एंजॉय करते हो तुम दोनों। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए। काश मेरी भी कोई ऐसी दोस्त होती, ऐसा दोस्त होता। अच्छा लग रहा है। ओह यू सच अ लूजर। क्या कह रहा था मैं, सोफिस्टिकेटेड आदमी, इन चीप चीजों से जेलस नहीं होंगे वो। चीफ फिरदौस साहब आपने याद किया। हेलो शाहिद, हमें एक टेंडर मिला है। मैं चाह रहा था उसका फाइनल प्रपोजल मैं तुम्हारे साथ बैठ के डिस्कस कर लूं। तुम कब आ सकते हो? जी बिल्कुल ठीक है, मैं कल किसी वक्त में नुमान से मिल लेता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुदा हाफिज। आपकी बेटी मारिया में बहुत पसंद आई। जी, और बहुत जल्द हम मारिया को यहाँ से ले जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? एक काम था इसलिए जा रहा हूँ, और फिर तुमने ही तो कहा था कि अम्मा को ड्रॉप करके मैं चला जाऊँ। तो बाबा जान और अम्मा ने कहा कि अंदर आ जाओ तो मैं आ गया। मेरा भी तो उनसे वही रिश्ता है ना जो आपका है। नहीं है उनसे तुम्हारा वो रिश्ता जो मेरा है, और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो सकता है उनका, समझी तुम? उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। मेरे हमदम तेरी कसम।